मानव जीवन का मुझे लगता है 3-4 हजार साल का इतिहास है। इन 3-4 हजार साल में शायद आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा केस हुए होंगे पूरी दुनिया में, पूरे इंसानियत इंसान। मैं सारा आज डेटा लेके आया हूं, हमारे 49 MLA के ऊपर 169 केस हुए हैं। छोटी सी पार्टी है, अभी अभी पैदा हुई है, और हमारे ऊपर 169 केस कर दिए इन्होंने। 49 MLA पे 169 केस कर दिए, 169 में से 134 केस खत्म हो गए, कोर्ट ने खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा अभी कुछ नहीं है इन केस में। खूब डांटा इनको पुलिस वगैरह को कि क्या बेकार की। 35 केस अभी पेंडिंग है, वो भी खत्म हो जाएंगे थोड़े बहुत दिन में। इसमें मैं देख रहा था 16 केस मेरे ऊपर करे थे इन्होंने, 16 में से 12 में तो मैं बरी हो गया, 4 पेंडिंग है। 13 केस मनीष जी के ऊपर करे थे, उसमें से 10 में ये बरी हो गए, 3 पेंडिंग है। जैन साहब के ऊपर 4 केस करे थे, 2 में बरी हो गए, 2 पेंडिंग है। दिनेश मोहनिया पे 10 केस करे थे, 9 में बरी हो गए, 1 पेंडिंग है। वंदना कुमारी पे 6 केस करे थे, सारे बरी हो गए। अखिलेश त्रिपाठी पे 4 करे थे, 3 बरी हो गए। इस तरह से पूरी लिस्ट है 49 MLA की। इन्होंने हमारी बोले बसों की खरीद पे घोटाला हो गया, कर लो जी आ जाओ जांच कर लो, कर ली सारी जांच, कुछ नहीं मिला, एक नए पैसे का कुछ नहीं मिला। बोले शराब पॉलिसी में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं मिला अभी तक तो। स्कूलों में घोटाला हो गया, सारे स्कूलों की भी जांच, 4 साल हो गए इनको स्कूलों की जांच करते करते, उसमें भी कुछ नहीं मिला। मोहल्ला क्लिनिक में बोले खूब घोटाला हो गया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। बोले अस्पतालों में घोटाला हो गया, अस्पतालों के कंस्ट्रक्शन में, दवाइयों में, पता नहीं क्या क्या, वो सारी जांच कर ली, उसमें कुछ नहीं मिला। कोरोना के वक्त बोले घोटाला हो गया, पूरी दुनिया कह रही है कोरोना में हम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, बोले घोटाला हो गया, उसकी भी जांच कर ली। बोले सड़कों के निर्माण में घोटाला हो गया, उसकी भी जांच कर ली, उसमें भी कुछ नहीं मिला। इससे क्या फायदा है, इससे कोई देश का फायदा है ऐसी झूठी सच्ची जांच करके? देश का टाइम खराब कर रहे हो, लोगों का टाइम खराब कर रहे हो, काम में अड़चन अड़ा रहे हो, रोज नई नई उलट पुलट जांच कर रहे हो। एक जरूर हुआ है, जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। फिर अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकारी बन जाएगी गुजरात में।